जापानी इंसेफ्लाइटिस व अन्य संचारी रोगों से लड़ने व लोगों को जागरूक करने के लिए दस्तक अभियान की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखनाथ मंदिर में 33 जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया व तिरंगे के रंग के बैलून को उड़ाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल के 3 दस्तक अभियानों की सफलता को देखते हुए इस साल के पहले दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 10 से 28 फरवरी तक चलेगा। दस्तक अभियान जिले के साथ साथ गोरखपुर और बस्ती मंडल के 7 जिलों में चलाया जाएगा। साथ ही MDA अर्थात मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत स्वास्थ्य विभाग फाइलेरिया से निपटने की पूरी तैयारी कर चुका है। जिले में 40 लाख से अधिक लोगों को 10 से 14 फरवरी तक घर घर जाकर फाइलेरिया की दवा खिलाई जाएगी। इस 5 दिवसीय अभियान के लिए 3786 टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा 25 फरवरी से 8 मार्च तक JEE टीकाकरण, 10 मार्च से पोलियो की दवा पिलाने का अभियान शुरू होगा जो 18 मार्च तक चलेगा। स्वच्छता के लिए, रोगों से बचाव के लिए, JEE के रोकथाम के लिए 15 मई से 15 जून तक, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। गत वर्ष भी अभियान चलाया गया था जिसका परिणाम बेहतर रहा। इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव प्रशांत द्विवेदी, कमिश्नर अमित कुमार गुप्ता, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, डॉक्टर आई विश्वकर्मा, डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर AK पांडे समेत अनेक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हाँ लिख लो लिख लो। Давай, 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 давай
संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से यहाँ गोरक्षनाथ मंदिर से किया गया है। ये अभियान 75 जिलों में चलाया जा रहा है। 38 ऐसे ज़िले हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनमें कुछ विशेष रूप से इसको चलाया जा रहा है। और दस्तक अभियान हमारे उन गोरखपुर और बस्ती मंडल के समस्त ज़िलों में चलेगा, जिसमें आशा घर घर जाकर घर पे दस्तक देगी और वहाँ 5 मिनट समय देकर सफाई के बारे में, स्वास्थ्य कैसे अच्छा रखें उसके बारे में, और अपने आस पड़ोस की सफाई कैसे रखें, मच्छरों से कैसे बचाव करें, और यदि कोई हाई ग्रेड फीवर हो जाता है या किसी को बुखार तेज आ जाता है तो उसको कहाँ संदर्भन करना है एम्बुलेंस के द्वारा, वो सारे चीज़ों के बारे में वो सबको बताएगी। इसी के साथ साथ हमारा आज 10 तारीख से 14 तारीख तक एक MDA का प्रोग्राम भी चलेगा, जो भी आशा के माध्यम से ही चलना है, और उसमें हमारा टारगेट है 40,70,000 की पॉपुलेशन को कवर करना, जो 2 वर्ष से ऊपर के समस्त लोगों को एल्बेंडाजॉल की 1 गोली और एडल्ट लोगों को 3 गोली DEC की खिलाई जाएगी, जिससे कि फाइलेरिया नियंत्रण होता है, फाइलेरिया का रोग नहीं बढ़ने पाता है। खाली उनको नहीं देना है जो 2 साल से कम हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जिनको कोई बीमारी है या जो बहुत बुजुर्ग हैं, उनको छोड़कर बाकी ये सभी को खिलाया जाना है। ये 10 तारीख से 14 तारीख तक चलेगा और इसका मॉपअप राउंड डोर टू डोर चलेगा, और मॉपअप राउंड जो छूटे हुए हैं उनको कवर करने के लिए फिर ये 15 तारीख से और 23 तारीख तक बराबर चलाया जाएगा। तो ये दोनों अभियान साथ साथ चल रहे हैं, और 25 फरवरी से 8 मार्च तक हम JEE के वैक्सीनेशन कैंपेन चलाएंगे इसी दस्तक अभियान के तहत, और उस कैंपेन में जो हमारे छूटे हुए बच्चे हैं वो 9 महीने से 15 साल की उम्र के, सबको JEE का वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिससे कि जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने इस बीमारी पर 3 दस्तक अभियान चला के काफ़ी काबू पाया था, जिसकी शुरुआत अभी से कर दी गई है, इस वर्ष भी 3 अभियान चलेंगे और इस बीमारी से निजात मिलने। देखिए, इंसेफ्लाइटिस समेत तमाम संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष अभियान प्रारंभ किया है। इस विशेष अभियान में विगत वर्ष भी दस्तक के नाम पर यह अभियान चलाया गया था, जिसमें व्यापक जन जागरण के आधार पर आम जन को संचारी रोगों से बचाव करने, और अगर रोग होता है तो फिर उसके उपचार की सुविधा कहां प्राप्त हो सकती है, इसके बारे में पहले चरण में जागरूकता का एक विशाल और विराट कार्यक्रम 10 फरवरी से 28 फरवरी तक, यह एक विशेष जागरूकता का कार्यक्रम इंसेफ्लाइटिस और अन्य संचारी रोगों से प्रभावित जनपदों में पहले चरण में चल रहा है। 25 फरवरी को इंसेफ्लाइटिस के वैक्सीनेशन की तिथि रखी गई है। 25 फरवरी से यह कार्यक्रम आगे चलेगा, तो पहले चरण में स्वच्छता के प्रति, शुद्ध पेयजल के प्रति और रोग से बचाव के लिए आम जन को जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम पहले चरण में फरवरी मास में ही प्रारंभ हुआ है। दूसरे चरण में 15 मई से लेकर के 15 जून तक दूसरे चरण का एक कार्यक्रम चलेगा, और तीसरे चरण में जुलाई प्रथम से लेकर के 30 जुलाई तक एक कार्यक्रम तीसरे चरण में चलेगा। विगत वर्ष स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बना करके स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा, महिला और बाल विकास, नगर विकास, ग्राम्य विकास और पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, इन सभी विभागों को मिला करके एक अभियान दस्तक के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने चलाया था। संचारी रोग से बचाव के लिए उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए थे। इंसेफ्लाइटिस तथा अन्य विषाणुजनित बीमारियों से बचाव करने के लिए यह अभियान एक बार पुनः प्रारंभ किया गया है, और हम सबका विश्वास है कि सामूहिक
ममता के बल पर हम इस प्रकार के विषाणुजनित बीमारियों का पूरी तरह रोकथाम करने में सफल होंगे।